एक ऐसा कोर्स जिसके बाद आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो और ऐसी ही बहुत सी नौकरियां हैं जिन्हें आप कर सकते हो और महीने के 50,000 रुपए तक कमा सकते हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BHMS कोर्स की। यह कोर्स करना चाहिए या नहीं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और इसके बाद आपको किस तरह की नौकरियां मिलेगी, उनमें आप कितना वेतन कमा सकते हैं, आइए इन सभी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपने छोटी छोटी गोलियों या बूंदों वाली दवाइयां देखी होगी, ये प्राकृतिक तरीकों से बनाई जाती है और ये होम्योपैथिक दवाइयां होती है। ये दवाइयां कैसे बनती है, कौन सी दवाई किस बीमारी में इस्तेमाल होती है, अलग अलग बीमारियों के बारे में, यहाँ तक कि सर्जरी तक के बारे में आपको इस BHMS कोर्स में सीखने को मिलता है। BHMS का पूरा नाम बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है, जिसमें 4.5 साल तो आपको कॉलेज में पढ़ाई करनी होती है और 1 साल आपको डॉक्टर के यहाँ पर या होम्योपैथिक दवाइयों की कंपनी में इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इस तरह से 5.5 साल में यह कोर्स पूरा होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश विषय होने बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह कोर्स इंग्लिश भाषा में ही रहता है। इसके बाद BHMS कोर्स को आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आप डायरेक्ट उनमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए आपको नीट नाम का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। अब देखो, नीट एग्ज़ाम 720 नंबर का होता है, जिसमें से BHMS में सरकारी कॉलेज के लिए जनरल कैटेगरी वालों को 550 नंबर तक लाने होते हैं, OBC वालों को 520 और SC ST वालों को 480 नंबर तक लाने होते हैं, तब जाकर सरकारी कॉलेज BHMS के लिए मिल पाता है। इसी तरह से अच्छा प्राइवेट कॉलेज के लिए भी जनरल कैटेगरी वालों को 720 में से 140 नंबर लाने होते हैं, OBC वालों को 120 और SC ST वालों को कम से कम 100 नंबर तो लाने ही होते हैं, तब जाकर BHMS के लिए प्राइवेट कॉलेज एक अच्छा सा मिल पाता है। ठीक है, इसके बाद सरकारी कॉलेज के लिए इसकी फीस मात्र 1 लाख से 2 लाख रुपए तक होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में यह फीस 4 लाख रुपए तक भी जा सकती है। अब ये जान लीजिए कि आखिर इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। एंटोमी, फिजियोलॉजी, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, मेटेरिया मेडिका, रेपर्टी, सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, ओबस्टेट्रिक एंड जेनेकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, इस तरह के अलग अलग बहुत से विषय आपको इस कोर्स में पढ़ने होते हैं। इस कोर्स के बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आप BHMS के बाद MD कर सकते हैं। MD इन होम्योपैथिक, MD इन रेपर्टरी, MD इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, MD इन पेडियाट्रिक, MD इन साइकेट्रिक, इन विषयों से आप MD कर सकते हैं, या फिर आप MSc भी कर सकते हैं, MSc इन पब्लिक हेल्थ, MSc इन क्लिनिकल रिसर्च, MSc इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, या फिर MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इस तरह के कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से डिप्लोमा और PG डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं, जैसे डिप्लोमा इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डिप्लोमा इन मेडिकल ट्रिकोलॉजी, PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल डायबिटोलॉजी, PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन हेल्थ साइंस रिसर्च और PG डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इससे आगे होम्योपैथिक में ही आप PhD भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन कैरियर है आपके पास, आप अलग अलग तरह के कोर्स कर सकते हैं। या BHMS के बाद आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, होम्योपैथिक कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट में रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, अपनी होम्योपैथिक फार्मेसी खोल सकते हैं और होम्योपैथिक दवाइयों का मार्केटिंग का काम भी आप कर सकते हैं। इस तरह की नौकरियां आप कर सकते हैं जहां पर महीने का 20,000 से 30,000 रुपए शुरुआत में वेतन मिल जाता है और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ यह वेतन 50,000 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। और अब जान लेते हैं कि आखिर आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। तो आंकड़ों के हिसाब से देखें तो BHMS कोर्स को करने वालों की तादाद साल दर साल बढ़ ही रही है। इससे ये कंफर्म तो होता है कि इस कोर्स की डिमांड आगे भी रहने वाली है और आजकल ज़्यादातर मरीज बीमारियों का होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनका साइड इफेक्ट नहीं होता और ये दवाइयाँ बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है और इसलिए आने वाले समय में भी इन दवाइयों की डिमांड और भी बढ़ने ही वाली है। तो इसलिए
कोर्स बेहतर है और इसमें नौकरियों की भी बहुत सी संभावनाएं हैं। बाकी आसान तो कुछ भी नहीं है, हर फील्ड में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है तब जाकर अच्छी खासी नौकरी मिल पाती है। बाकी आप हमें बताइएगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं, और पढ़ाई से संबंधित कोई किसी तरह का सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।